हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू में रहे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बूंदी रायता। तो बूंदी रायता तो आप हर कोई बनाते हो, लेकिन आज मैं बूंदी रायता में ट्विस्ट लेके आई हूँ। तो दोस्तों, ये ट्विस्ट के साथ आप बूंदी रायता बनाइए। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पर बूंदी को गर्म पानी में सोक कर दिया है। हमें नॉर्मली थोड़ा ही गर्म पानी करना है कि जिसमें हम अपना हाथ डाल सकें। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल में दही लिया है और दही को मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए दोस्तों, तो उसी तरह से आपको फेंट लेना है। दोस्तों, ये रायता है ना, एक बार बनाने के बाद आप बार बार बनाओगे उतना टेस्टी रहता है। तो दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि रायता कैसा बना था। तो हमें एकदम अच्छे से फेंट लेना है। अगर आप ऐसे हाथ चम्मच से नहीं करोगे तो आप हैंड मिक्सी से भी फेंट सकते हो। अभी उसमें एकदम चिल्ड वाटर डालना है दोस्तों, इसमें नॉर्मल नहीं चिल्ड वाटर डालना है। इससे भी रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप आइस क्यूब डालते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिल्ड वाटर डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अभी यहाँ पर मैं चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसमें ट्विस्ट लाने के लिए इसमें डाल रही हूँ धनिया, पुदीने, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक की चटनी। दोस्तों, ये चटनी ही अपने आप में खास है और ये चटनी हमारे रायते में टेस्ट और ट्विस्ट लाएगी। और अभी इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। अभी इसमें मैं थोड़ी धनिया पत्ती डालूँगी और इन सबको डालते जाना है, मिक्स करते जाना है। और यहाँ पर जो हमने बूंदी को गर्म पानी में भिगोया था, उसमें में से पानी निकाल के बूंदी हमने अलग निकाल दी है। तो बूंदी अभी हमने इसमें ऐड कर दी है और इन सबको डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। दोस्तों, इसमें धनिया पत्ती जितनी ज़्यादा रहेगी ना, उतना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी इसमें और दूसरा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले वाली सींग। जी हाँ दोस्तों, मसाले वाली सींग। ये सींग डालने से ही और हरी चटनी हमने जो बनाई थी, वो चटनी डालने से रायते का टेस्ट बदल जाता है दोस्तों। और जब भी आप खाने पे बैठो तभी इसमें नमक डालो, वरना रायता अपना खट्टा हो जाएगा। तो मैंने नमक बाद में ऐड किया था जब भी मैं लंच लेने बैठी तभी। तो दोस्तों देखिए, इतना टेस्टी और इतना अच्छा रायता मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर दोस्तों पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ कल फिर से आपसे मिलती हूँ।